निकाल रहे हैं और इसकी बेस काफी मजबूत है और जो इसकी वेट है वो भी बहुत अच्छी है। तकरीबन मुझे लग रहा है 1 किलो के आसपास तो ये है। इसे हम यहाँ पर रखते हैं। लुक फिनिशिंग बहुत शानदार और जैसा कि हम सोनी से उम्मीद करते हैं ये सारी इसकी लुक जो स्टाइल है स्टाइल बहुत ही डिसेंट और क्लासिक लुक सोनी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे प्ले और पावर ऑन का बटन, ये देखिए यहाँ पे पावर ऑन का बटन, फिर एक फंक्शन है और जब आप उसे टीवी यूएसबी या ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लाइट्स ऑन होंगी। ये इसकी ऊपर के लिए और ये फॉरवर्ड यूएसबी प्ले के लिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड के ये दोनों बटन, और ये आपको साइड में मिलता है यहाँ पर यूएसबी कनेक्ट करके प्ले करने के लिए। सो और मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम लिखा हुआ ही है जैसा मैंने भी आपको पहले बताया। और इसकी बेस में आप देखते हैं क्या क्या इसकी बेस में, ये ऐसा लग रहा है ये मानो कि किसी कार्टून की बनाई गई हो, मगर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे फिनिशिंग टच देने की कोशिश की है। और साथ में ये इसकी बेस के पीछे ये समथिंग लाइक इसके अंदर कुछ जो फंक्शनिंग होती होगी वो चीज़ है। अब इसी के साथ साथ अगर इसको हम साइड रखते हैं और इसके स्पीकर्स को थोड़ा देख लेते हैं, ये आगे इसके स्पीकर्स, और स्पीकर्स हटाते हैं यहाँ पर तो ये 4 स्पीकर्स आपको छोटे छोटे मगर बहुत खूबसूरत बहुत अच्छे स्पीकर्स, क्योंकि सब ऊपर इतनी अच्छी है तो स्पीकर्स भी अच्छे होंगे, इसलिए ये रहा आपके, ये रहे सोनी के स्पीकर्स। स्पीकर देखिए क्लासिक लुक है और इसकी जो डिजाइनिंग है प्लस जो शाइनिंग है लस्टर शाइन है, और ये ना तो ज्यादा भारी ना तो ज्यादा हल्का, ये तकरीबन 500 ग्राम के स्पीकर्स होंगे, मगर जो क्लास दी गई है इसमें आप इसे रख भी सकते हैं और अगर चाहे तो अपने दीवारों पर इसे टांग भी सकते हैं। इसी तरीके से हम आपको ये 4 स्पीकर्स खोल के शो कर रहे हैं। ये दूसरा, दिस इज द 3rd वन, एंड द लास्ट। सोनी के 4 स्पीकर्स यहाँ पे मिल चुके हैं और अब इसके साथ ही साथ ये इसकी ऊपर ये मैं इसे यहाँ पर रखता हूँ ताकि दिख जाए, ये है इसके स्पीकर, ये टोटल सोनी सिस्टम। अब मैं आपको इसकी रिव्यू गानों के साथ देता हूँ कैसी है, पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको मैं रिव्यू सुनाता हूँ।